मैं हमेशा टॉप फ्लोर लेता हूँ तो व्यू बहुत ही अच्छा आता है। ये है क्राउन प्लाजा। ये वाला होटल है ओखला में, जो एयरपोर्ट के पास भी नहीं है या डाउनटाउन के पास भी नहीं है, तो लोकेशन थोड़ा ऑड ही लगा मुझे। शायद इसलिए सस्ता था और पास में कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, तो कहीं भी जाना है तो हमेशा कैब बुक करनी है। एमेनिटीज के हिसाब से सब कुछ है, स्त्री है, फ्रिज है, लॉकर है, टीवी है, बाथरूम में जो एमेनिटीज किट रहते हैं वो सब है, कॉफी या चाय बनाने की सामग्री है, और कुछ एक्स्ट्रा एमेनिटीज भी है जैसे कि टॉर्च। अरे इसे चालू कैसे करते हैं? कुछ भी नहीं है, ये चालू नहीं हो रहा। यूजुअली वहां से निकालने के बाद इमीडिएटली चालू होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, ऐसे ही शो के लिए रखा है। मतलब बहुत सी शराब है, ऑफकोर्स वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगी, पे करना पड़ेगा। और ये देखो ये क्या मिला मुझे, ये मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा था। ये देखो क्या नया मिला मुझे यहाँ पे, इसे ऐसे पुल करना है और इसमें डालना है, और यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हो। नेक्स्ट खाना, खाने के लिए बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। 3 बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं इस होटल में और डिफरेंट टाइप का फूड मिलेगा। बेला चाओ स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको बूफे वाला डिनर करना है तो 2000 प्लस टैक्सेस पर पर्सन, ब्रेकफास्ट करना है तो 800 प्लस टैक्सेस पर पर्सन। तो खाना अच्छा तो है, लेकिन बाकी होटल से मुझे बहुत महंगा लगा यहाँ पे। और रूम सर्विस भी अवेलेबल है, जो भी चाहिए मंगा सकते हो रूम पे। होटल बहुत ही क्लीन साफ सुथरा है, उसके बारे में तो कोई कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। और रूम भी बहुत कंफर्टेबल है, बेड बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे, एक सोफा है, एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पे काम कर सकते हो, और फिर वहाँ पे बाथरूम है। बाथरूम भी दिखाई देता हूँ, ये रहा बाथरूम। यहाँ पे बेसिन, बाथ टब भी है, और फिर यहाँ पे वॉमिंग एरिया और ये वाला शॉवर का एरिया। तो बाथरूम बहुत ही बड़ा है और सब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे रखी है। एक बहुत ही फनी चीज़ है इस रूम में, यहाँ पे बेड है और ये वाला जो डोर है ये खुलता है, ये देखो, और यहाँ पे है बाथटब और बाथरूम। तो बेड से डायरेक्टली एक्सेस है बाथरूम का, उधर से क्यों जाना है, इधर से आ सकते हैं ना ऐसे। एक बात पता है क्या अच्छी नहीं लगी मुझे, जब भी मैं कभी कोई IGH होटल में जाता हूँ तो मैं उसका गोल्ड मेंबर हूँ, इसके लिए वो चेकिंग करते टाइम रिसेप्शनिस्ट एक झंडा रख देते हैं लाल कलर का वहाँ पे डेस्क पे, टू रिकॉग्नाइज द गोल्ड मेंबर, वो उन्होंने यहाँ पे नहीं किया। सिर्फ बोला उन्होंने कि वी थैंक यू फॉर योर लॉयल्टी, वी रिकॉग्नाइज यू एज अवर गोल्ड मेंबर, लेकिन झंडा चाहिए यार। बाय बाय करने का टाइम आ गया रूम को, सब कुछ ले लिया। और ये सबसे सस्ता होटल भी है, तो ऑल 5-स्टार होटल्स दिल्ली के मैंने चेक किए, उसमें से ये सबसे सस्ता है। ये रूम मुझे मिली कुछ 4,500 रुपये पर नाइट पे, तो प्राइस के हिसाब से इट्स रियली गुड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पर लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।